ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। रीसेंट आईआई अपडेट्स के बाद में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको इंडियन इंस्टीट्यूट से करना चाहिए कि उनको यूके इंस्टीट्यूट से करना चाहिए एक्चुअली इसके कोर्स को। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में किस टाइप की क्वेरीज हैं। तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स पे फटाफट से टाइप कर दीजिए कि आपके मन में किस किस टाइप की क्वेरीज हैं जो आप चाहते हैं कि हम एड्रेस करें। तो आप लोग चैट बॉक्स पे प्लीज टाइप कर दीजिए कि क्या क्या मन में आपके क्वेरी आ रहा है, कि किस बेसिस पे मैं डिफ्रेंशिएट करूं, वो मेरे को समझना है। यू कैन जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग इन द चैट बॉक्स। देखो, तो बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसिएशन बेसिकली ये है कि पहले क्या होता था ना, इंडियन इंस्टीट्यूट का जो पासिंग रिजल्ट है वो बहुत कम होता था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट का जो पासिंग रिजल्ट है वो अच्छा हो गया है, लाइक ऑन एन एवरेज 25 to 50% में रेंज कर रहा है। वहीं अगर आप IFOA का देखोगे तो वो भी अराउंड 30 to 50% में रेंज कर रहा है। तो पासिंग परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो आज के दिन पे लास्ट एक दो अटेम्प्ट का रिजल्ट देख के मतलब देर इज नो डिफरेंस, सबसे पहला। दूसरा, लोग पूछते हैं एम्प्लॉयबिलिटी का, तो अगर आपको फॉरेन जाना है तो IFOA प्रेफर्ड होगा ओवर IEI। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मेरे को इंडिया में ही काम करना है तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि भाई आप कोई भी इंस्टीट्यूट चुन लो, क्योंकि दोनों में एम्प्लॉयबिलिटी वाइज कोई फर्क नहीं है। एंड देर इज ऑल्सो म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट एट द फेलोशिप लेवल, कि अगर आप IFOA से पूरा पेपर्स क्लियर करके फेलो एक्चुअली बनते हो तो IEI उसको रिकॉग्नाइज करता है, एंड अगर आप IEI से सारे पेपर्स क्लियर करके फेलो एक्चुअली बनते हो तो IFOA उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो देयर इज अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट एट द फेलोशिप लेवल। पेपर लेवल पे पहले था बट अभी नहीं है। हाँ, एग्जेम्पशन पेपर वाइज का जो है, अभी क्या हो रहा है, अगर आपका कोई पेपर IFOA से क्लियर है तो IEI तो उसका एग्जेम्पशन देगा, बट अगर IEI से आपका कोई पेपर क्लियर है तो IFOA उस चीज का एग्जेम्पशन नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है क्रेडिबिलिटी का, कि सर होम बेस्ड एग्जाम्स है तो क्रेडिबिलिटी कैसे चेक होगा। देखो, IFOA का एग्जाम प्रॉक्टर्ड नहीं है, एक्सेप्टेड। होम बेस्ड है, एक्सेप्टेड, बट इट्स अ ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम में जो क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो काफी हाई एंड पे होती है, तो उससे बेसिकली वो क्वेश्चन सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है जिसने पूरे कंटेंट को अच्छे से पढ़ाई की है। एंड यू डोंट गेट अनलिमिटेड टाइम, यू नीड टू सॉल्व 100 मार्क्स पेपर इन 3 आवर्स एंड सम मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स। तो बेसिकली इट्स नॉट दैट इजी टू क्रैक द एग्जाम। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप उस समय कॉपी खोल लोगे या फिर आप अगर बुक खोल लोगे तो वो तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आप खोलो, बट जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आता है, ऐसा मगिंग अप वाला क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। IFOA की अगर मैं बात करूं तो उनका स्टैंडर्ड काफी अच्छा है पेपर का, तो क्रेडिबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और हाँ, ऑब्वियस सा बात है, आप जितने अच्छे से करिकुलम का पढ़ोगे आपका उतना अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, बिकॉज आप इंटरव्यू उतने अच्छे से क्रैक कर पाओगे। बहुत जन मेरे से ये पूछते हैं कि सर IEI का क्या है नया स्ट्रक्चर। तो IEI का जो नया स्ट्रक्चर है उसमें इट्स MCQ फॉर्मेट, OBA ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट होगा फॉर CM, CS एंड CB लेवल, मतलब CM 1-2, CS 1-2 एंड CB 1-2। इसमें आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पेपर ए में। तो IFOA में जो आपको मैथमेटिकल टाइपिंग करना होता है, IEI में अब आपको मैथमेटिकल टाइपिंग नहीं करना होगा, और आगे के पेपर्स में मैथमेटिकल टाइपिंग नहीं है, इट्स नॉर्मल टाइपिंग, जो हम लोग नॉर्मल वर्ड पे टाइप करते हैं वैसा होता है। पेपर बी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट IEI इज ऑल्सो होम बेस्ड एंड इट इज प्रॉक्टर्ड, ठीक है। IEI इज होम बेस्ड एंड इट इज प्रॉक्टर्ड। IFOA अभी तक प्रॉक्टर्ड नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम से वो लोग ने भी बोला है कि वो लोग फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड प्रॉक्टरिंग लेके आ रहे हैं। IFOA ऑल्सो हैज बीन इन टॉक्स विद अ लॉन्ग टाइम कि वो लोग भी OBA लेके आएंगे इन पेपर्स लाइक CB 1 एंड 2, एंड होप सो कि सारे पेपर्स में वो लोग भी OBA लेके आ सकते हैं, बट ऐसा कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज का करिकुलम, वो पूरा ऑलमोस्ट MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। इंटरक्टिव लर्निंग है तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। उसपे भी अपने हमारे सोशल मीडिया में काफी कंटेंट डाला है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। SOA बट इट विल बी लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड,
आपको अगर तीनों इंस्टीट्यूट को कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा जो चीप ऑप्शन रहता है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट का रहता है। वहां पर आपका जो पर पेपर कॉस्ट आता है वो रफली आपका 15-16,000 रुपीज आता है, ठीक है। ट्रेनिंग फीस आप चाहे कहीं से भी लो, दोनों इंस्टीट्यूट का बिल्कुल सेम है, चाहे आप IIS से करिए चाहे आप IFO से करिए, दोनों इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग का जो फीस है वो बिल्कुल सेम है। जो बेसिकली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, अगर आप उनका ट्रेनिंग फीस का बात करोगे तो IIS, IFO एंड SOA ऑलमोस्ट ट्रेनिंग का आपका फीस मोटा मोटी सेम ही लगने वाला है, ठीक है। बात करते हैं इंस्टीट्यूट का फीस का, जो बेसिकली IFO या IIS चार्ज करता है, तो IIS का जो फीस है वो मोटा मोटी 15 से 16 हज़ार रुपये पर पेपर है, डिपेंडिंग के पेपर। अगर मान लो CP1 है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, CB लेवल है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा CB1 एंड 2 का, ठीक है। वही अगर आप IFO का बात करेंगे तो IFO का जो एवरेज में जो फीस है दैट इज समवेयर अराउंड 21-22,000, ठीक है। सो IFO में आपका हो सकता है रफली 75-80,000 रुपीज ज्यादा लगे, बट एज पर माई नॉलेज एंड एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस IFO हैज बीन कन्वीनियंट। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ओपन बुक है तो क्रेडिबिलिटी, वो कोई बात नहीं है। जिस इंसान का नियत नहीं होगा चीटिंग करना तो वो तो हर जगह पे चीट कर सकता है, वो इंटरव्यू में भी चीट कर सकता है, वो कहीं भी चीट कर सकता है, वो कंपनी में भी अपना काम नहीं करेगा। तो जिस इंसान का नियत नहीं है चीटिंग करना वो तो चीटिंग करेगा ही, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर जॉब्स, तो जॉब्स में देखो IIS IFO का आज के दिन पे इंडियन मार्केट्स में एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। SOA का चालू हो रहा है, अच्छा अच्छा कंपनीज जो है वो SOA भी प्रेफर कर रहे हैं, बट उतना फुल्ली रिकग्नाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। टाइम लगेगा, अभी 2-3 साल टाइम लगेगा, ठीक है। बट SOA का करिकुलम इज वेरी गुड, आप उसमें विजिलेंस जो है बेसिकली जो होता है ना आपका की मॉनिटरिंग वगैरह वो एकदम सुपर्ब है, तो उसको लेके भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस। उसके बाद में बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर मेरे को IIS से देना है तो मेरे को ASET देना पड़ेगा। देखो अभी तक हमने जब इंस्टीट्यूट में कॉल करके बात किया तो उन्होंने हमको यही बताया है कि ASET मोस्टली रिमूव कर देंगे वो लोग, तो अभी तक इसलिए कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो ASET जो है अगर वो हट जाता है तो आप डायरेक्ट पेपर्स फिर दे पाओगे, ठीक है। जिसका IFO से 2 पेपर क्लियर है वो IIS में वैसे भी नॉन ASET रूट के थ्रू जा सकता है। और भी बहुत सारा लिस्टेड कंडीशन है कि किन किन लोगों को ASET रूट से जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप अगर देखोगे इसमें आपका जो एक मेंबरशिप फीस होता है, तो IIS का जो मेंबरशिप फीस है वो थोड़ा कम है, इट्स रफली 4,000। और वही अगर आप IFO का बात करोगे तो वो आपका वन टाइम मेंबरशिप फीस लगता है, जब आप नॉन मेंबर से मेंबर में कन्वर्ट होते हो तो उस समय आपका लगभग 14,000 रुपये लगता है, 14,000। एंड उसके बाद में आपका जो एवरी ईयर जो रिन्यूअल है वो IIS में रफली 2,500-3,000 रुपीज है। वही आपका IFO में जो एनुअल रिन्यूअल फीस है दैट इज समवेयर अराउंड 7,500, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस। तो मोटा मोटा बात ये है कि अगर आप IFO से परस्यू करते हो या फिर आप IIS से परस्यू करते हो, पासिंग रेट्स में IFO थोड़ा बेटर है एंड इट्स लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, और उसमें मैथमेटिकल टाइपिंग है जो मेरे को एक डिसएडवांटेज लगता है, ठीक है। कोई मेरे से फ्यूचर के बारे में पूछेगा तो जो IFO से कर रहा है वो IFO से भी कर सकता है, जो IIS से कर रहा है वो IIS से भी कर सकता है। किसी को ये कि मेरे को MCQ में देना है तो वो MCQ में दे सकता है, किसी को ये कि नहीं भाई हम तो मैथमेटिकल टाइपिंग में सेट हो गए तो वो ऐसे करो। कोई बहुत बड़ा इसका कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई हुआ नहीं है कि मतलब कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि हर चीज दोनों इंस्टीट्यूट का बिल्कुल सेम है। जब जॉब में एक्सेप्टेबिलिटी सेम हो जाती है ना तो फिर क्या होता है ना कि एक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। IFO अगर आपको ये है कि भाई आपको थोड़ा कन्वीनियंस चाहिए तो आप 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, आपका मोटा मोटी 75-80,000 रुपीज ज्यादा लगेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये है। एंड जो लोग IIS से कर रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लाइक उनको एक्स्ट्रा 40-50 आवर्स स्पेंड करने से पड़ते हैं टू सॉल्व ऑल द IIS क्वेश्चंस, थोड़ा थरो ज्यादा होना पड़ता है बिकॉज IIS का क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग आता है कंपेयर टू IFO। पासिंग रेट अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखोगे पेपर अब अच्छा आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पेचीदगी वाला पेपर आता है, अच्छा पेपर आता है तो वो डुएबल है। बहुत सारे लोग IFO से भी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, IIS से भी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू, ठीक है ना, बिटवीन IIS एंड IFO। एंड हम लोग तो दोनों का ही ट्रेनिंग देते हैं तो आपको जहां से भी करने का इच्छा वहां से ही कर सकते हो, सिलेबस बिल्कुल सेम है, क्लासेस बिल्कुल सेम है। हाँ तो आप जिसका भी कोई क्वेरी है वो हैंड रेस कर सकता है और मैं उसके क्वेरीज का एक एक करके आंसर कर दूंगा। यस लक्ष्य, सर, बेसिकली जो अब्रॉड की मार्केट्स हैं उसमें मैंने लिंक्डइन पे जॉब्स वगैरह देखी, तो उसमें IIS का वो मेंशन भी नहीं करते इंस्टीट्यूट के बारे में, वो IFO और SOA कुछ दिखा है। मैंने तो आपको एक चीज बता दिया कि जिसको अब्रॉड जाना है, जिसको एक ही बाहर में काम करने, वो लोग को IFO प्रेफर्ड रहेगा, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस अनुसुया, सर मैं अभी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, तो देयर इज मास्टर्स इन एक्चुअरियल साइंस नाउ डेज, सो इफ मैं इंडिया मास्टर्स और करूँ, अब्रॉड? इंडिया में एक IAQS बॉम्बे में है, सो अगर मैं वहां से मास्टर्स कर रही हूँ तो मुझे IFOA से 6 to 7 पेपर एग्जेम्पशन मिल रहा है और 2 years की मास्टर्स डिग्री भी मिल रही है, सो व्हाई नॉट आई डू मास्टर्स एंड टेक हैव दिस रिलीफ की 7 पेपर 2 साल में निकल गया देन स्टार्टिंग देखो मैं टू आपको बताता डू हूँ, आई गॉट ए क्वेश्चन। देखो सबसे पहला बात तो 6 से 7 पेपर 2 साल में करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। आज के दिन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका वैसे भी 2 साल में 6 से 7 पेपर निकल रहा है, ठीक है। और दूसरा बात ये कि मेरे को ये लगता है कि वंस यू गेट इनटू अ मास्टर्स डिग्री ना, तो अब जैसे क्या है कि आप ये समझो कि मास्टर्स में आपका एग्जाम तो हो रहा है, ठीक है, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर गिविंग द एग्जाम एंड क्लियरिंग इट। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि जब एग्जाम देने का मेरा माइंडसेट है तो मैं हमेशा एग्जाम देके क्लियर करूंगा। एग्जेम्पशन से क्या होगा, बहुत बार आप फंस सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको IFOA इंस्टीट्यूट एग्जेम्प्ट करेगा वो पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके हो सकता है कभी III का कुछ हो, जैसे अभी III एग्जेम्पशन खोल रखा है, तो एग्जेम्पशन का एग्जेम्पशन आप नहीं ले पाओगे। इट इज ऑल्सो अच्छा एक्सपेंसिव। अगर मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम तब तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ गुड ऑप्शन। इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, लाइक पेपर्स पढ़ के क्लियर करना इज रादर चीप, ठीक है। जितना मेरा ओके नॉलेज कंसर्न है दैट रफली द फीस इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 90,000 to 1 lakh rupees पर सेमेस्टर। तो आज हम लोग जिस कोर्स का बात कर रहे हैं आपका 3 साढ़े 3 लाख में तो पूरा कोर्स ही हो जाएगा। जी एंड आपको एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जेम्पशन का अलग से पैसा लगता है। लाइक वो आपको एक पाथवे देंगे कि भाई आपका अब आप चाहो तो आप ये पेपर IFOA का यहाँ से एग्जेम्पशन ले सकते हो, बट एग्जेम्पशन फीस इज नॉट इंक्लूडेड एंड एग्जेम्पशन फीस इज इक्विवेलेंट टू एग्जाम फीस। तो ये भी आपको ओके समझना पड़ेगा। तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव साइड में। एंड अगर कोई ग्रेजुएट है और अगर वो 2 साल पढ़ना चाहता है ना, तो वो 2 साल में अप्रोक्सीमेटली 8-9 पेपर भी क्लियर कर सकता है, ठीक ओके है ना। सो बेसिकली हमेशा आप हर तरीके से देखोगे ना तो क्लियरिंग द पेपर इज बेटर देन टेकिंग द मास्टर्स एंड एग्जेम्पशन रूट, जो मेरे को पर्सनली लगता है। प्रोफेशनल और एग्जाम अगर जो है वो अगर आप एग्जाम में आप जाके वो बेसिकली अगर एग्जाम देते हो तो वो इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करूंगा, जैसे वहां पर भी तो आपका एग्जाम ही होगा एक तरीके से एंड अच्छा आपका सिलेबस डिवाइडेड होगा, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। बट पर्सनली जो प्रोफेशनल कोर्स एक्चुअली इसका है पेपर क्लियर किया हुआ आपको ज्यादा फायदा करेगा। और और आप अगर अगर 6-7 एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं ना तो फिर आपको आगे में उतना डर नहीं लगेगा। बट देर विल बी सडन चेंज कि आपने एक इंस्टीट्यूट से 6-7 पेपर्स एग्जेम्पशन ले लिया है एंड देन अब आप आगे का पेपर्स आपको IFOA से क्लियर करना है, राइट। तो आपको एक सडन चेंज में फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा, तो हो सकता है वहां आपको एक सडन ब्रेक की वजह से आपको 6 महीना साल भर का ब्रेक लग जाए, क्योंकि कभी पहले आपने IFOA में एग्जाम दिया नहीं है, तो दैट विल अगेन बी अ चैलेंज फॉर यू। तो इसीलिए और जॉब मार्केट में इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लाइक मास्टर्स से निकलना एंड देन गिविंग फ्रॉम स्क्रैच? तो जॉब मार्केट में देखो वो लोग आप देखते हैं कि आप कितना पेपर्स क्लियर है एंड आपका नॉलेज कैसा है, तो उसके आगे वो लोग और कुछ नहीं देखेंगे। एंड पर्सनली स्पीकिंग अगर मान लो आपने तो मास्टर्स की बात की है, राइट, अगर जी मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा ऐसा मानते हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में कॉलेज है दौलत राम हंसराज, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर गोइंग इन टू दीज कॉलेजेस। जैसे कैलकाटा में सेंट जेवियर्स है, बॉम्बे में आपका NM कॉलेज है, उसके बाद में आपका HR कॉलेज है, उसके बाद में जेवियर्स कॉलेज है, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर गोइंग टू अ रेप्यूटेड कॉलेज। तो जस्ट बिकॉज कि आपको BSc या फिर MSc करना है उसके लिए मत जाओ, आप एक अच्छा कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आपके लिए और भी सारे अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। लाइक बॉम्बे हैज अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट। आपको तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपका कौन से कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में लग रहा है, वो भी तो बहुत मैटर करता है। हाँ जी देखो थैंक CA यू में भी क्या होता है ना, आपको एक समझना पड़ेगा, एक होता है कोर एक होता है नॉन कोर। तो CA में एक हार्ड कोर जो होता है वो आपका ऑडिट टैक्सेशन अकाउंटिंग, इसके अलावा भी आपका बहुत सारा चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो गया,
इक्विटी हो गया, फाइनेंस हो गया, तो हमेशा कोर में ही जाना है, ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, देन यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग मोर? ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। सर क्या सीएससी इंजीनियरिंग वाले कुछ कर सकते हैं? अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड से है तो एक्चुअली से अच्छा कोर्स नहीं है उसके लिए, अगर उसको ट्रांसफॉर्म होना है तो, क्योंकि इंजीनियर्स आर वेरी गुड विद मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर ऑल्सो कवर एमएससी इन एक्चुअरीज। देखो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना? तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अ गुड कॉलेज। अगर आप बेंगलुरु ऑप्शन सर्च करते हो तो क्राइस्ट में नंबर वन में नाम आता है, तो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और अगर उसमें आपको एमएससी मिल रहा है तो आप करो, क्या दिक्कत है? व्हाट आई विल प्रेफर इज कॉलेज का ब्रांड नेम मोर देन द स्ट्रीम। अब जैसे बहुत लोग होता है, वो लोग को स्ट्रीम चूज करना होता है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप बीएससी नेचुरल साइंस, एमएससी नेचुरल साइंस करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बट क्या है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आई विल ऑलवेज प्रेफर। एंड एमएससी अगर अब्रॉड से किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं प्रेफर करूंगा पेपर्स क्लियर करना, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। करना है तो फिर आप यूके जाके करो, वहां आपको बहुत डाइवर्स टाइप के लोग मिलेंगे, अलग अलग कंट्री से लोग मिलेंगे, वो लोग आपको समझ में आएगा कैसे क्या होता है, क्या होता है। सर्टेन कंपनीज रिक्वायर क्लियरेंस ऑफ सर्टेन पेपर्स लाइक CM1, सो इफ एग्जेम्प्टेड दैट मे क्रिएट अ। नहीं, वैसा कुछ नहीं है बेटा, वो एक ही होता है। सर कैन बी टेक CM1 फ्रॉम IFO एंड गेट द एग्जेम्प्शन इन IA एंड फर्दर पेपर्स कैन बी टेकन फ्रॉम IA? यस अनीश, क्योंकि अभी मोस्टली वो लोग एसेट रिमूव कर देंगे। रोहित, यस वी आर टारगेटिंग CS1 नवंबर। यस आई एंड सिद्धार्थ सर, वी आर टोटली फोकस्ड, पूरा टारगेट यही है कि CS1 नवंबर तक करवा दें, ठीक है? उसके बाद में ये सब सब तो हो गया। सर आफ्टर कमिंग वेब कैमरा इन IFO इज देयर एनी रिलैक्सेशन विद मैथमेटिकल टाइपिंग और इट विल? अभी तक तो उन्होंने वही बोला है कि वही रहेगा। ऐसा कुछ, हाँ देखो, एक जन ने लिखा IFO में स्टेप मार्किंग मिलता है। बेटा आई आई का तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही अब स्टेप में हो गया ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक का आपको MCQ मिल रहा है, तो वो तो ज्यादा बेटर हुआ कंपेयर टू IFO, ठीक है? ओके, उसके बाद में क्वेश्चन आया है सर, फेलो एक्चुअरी इन IA करने से IFO? यस यस पार्थ, यस मिलता है, मिलता है, यस म्यूचुअल रिकॉग्निशन है, MRA फेलोशिप लेवल पे MRA है, ठीक है ना? सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स जो मैंने डिफरेंशिएट किया है। ये वाला वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, एंड अगर आपको और कोई भी क्वेरी आता है इन द नियर फ्यूचर, तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के चैट बॉक्स पे डालना है, इसी वीडियो के आपको चैट बॉक्स पे डाल देना है, ताकि क्या होगा ना कि हम लोग उसका क्वेरी का रिस्पॉन्स दे पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं वो सबको सॉल्व कर दूंगा। यस अरुण, यू हैव अ क्वेरी? ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय।